लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी के साथ वीवीपैट मशीन भी चर्चा में आ गई है। विपक्ष ने तो हर वोटर के लिए वीवीपैट से पर्ची निकालने की वकालत की है, जबकि चुनाव आयोग इसके खिलाफ है। आइए समझते हैं ये वीवीपैट मशीन होती क्या है और क्यों विपक्ष इसके ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जो चुनाव के समय ईवीएम के साथ कनेक्ट की जाती है। इससे मतदाता अपने वोट को डबल चेक कर सकते हैं। मतदाता अपने उम्मीदवार और पार्टी को ईवीएम में बटन दबाकर वोट देता है तो वीवीपैट मशीन एक पर्ची जनरेट करती है। ये पर्ची 7 सेकंड तक मतदाता को वीवीपैट मशीन में लगे शीशे के एक बॉक्स में दिखाई देती है। पर्ची में मतदाता द्वारा दिए गए वोट पर उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। इसके बाद पर्ची वहां से ऑटोमेटिक कट कर वीवीपैट मशीन के अंदर ही गिर जाती है। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव संपन्न होने के बाद ऐसा आरोप लगाता है कि ईवीएम से वोट में कोई गड़बड़ी की गई है तो तमाम पर्चियों का उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम में पड़ी वोट से मिलान कराया जाता है। दोनों के वोट एक समान होने पर उस चुनाव को वैलिड घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि पहली बार 2019 के लोकसभा चुनावों में 100% वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। गड़बड़ी पकड़ने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के 5 पोलिंग स्टेशनों को रैंडमली चुनकर वीवीपैट की सभी पर्चियों का ईवीएम में पड़े वोटों के साथ मिलान कराया जाता है। चुनाव आयोग की माने तो अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 38,156 वीवीपैट की रैंडम जांच की जा चुकी है। एक उम्मीदवार का वोट किसी दूसरे को ट्रांसफर होने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। चुनाव आयोग के अनुसार 2017 में वीवीपैट की शुरुआत के बाद से सिर्फ 25 शिकायतें मिली हैं। इनमें से सभी शिकायतें झूठी पाई गईं। विपक्ष चाहता है कि वीवीपैट की सभी पर्चियों को वोट देने वाले मतदाता को दिया जाए। अगर मतदाता अपने वोट से संतुष्ट है तो वो उस पर्ची को वहीं एक बॉक्स में डाल दे। इसके बाद 100% वीवीपैट की पर्चियों की गणना की जानी चाहिए। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूरा भरोसा बना रहेगा। पिछले साल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारत में 4,000 से अधिक विधानसभा सीटें हैं। अगर हर सीट से रैंडमली 5 पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट को वेरीफाई किया जाए तो कुल 20,000 से अधिक वीवीपैट ईवीएम सिस्टम बनते हैं। वहीं मार्च 2019 में ISI की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए 479 ईवीएम का एक रैंडम सैंपल ही चुना जाए। चुनाव आयोग का तर्क ये भी है कि अगर सारे चुनाव में वीवीपैट की पर्चियों को हर वोटर को देना शुरू कर दिया जाएगा तो फिर पुराने समय में बैलेट पेपर और ईवीएम के साथ होने वाले चुनाव में क्या फर्क रह जाएगा। हम फिर से पुराने युग में नहीं लौट जाएंगे। आज भारत में वोटों की गिनती होने के कुछ ही घंटे में रिजल्ट आपके सामने हो जाता है, जो दुनिया में सबसे अधिक तेज रिजल्ट देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।